सब्सक्राइब कीजिए इस फैशन डिजाइनर यूट्यूब चैनल को और प्रेस कीजिए इस बेल आइकन को सबसे पहले फैशन डिजाइनिंग और सिलाई से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए। नमस्कार, एयर फैशन डिजाइनर में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बेल्ट की सिंपल सलवार बनाना सिखाऊंगी। देखिए, बहुत ही आसान तरीके से बनाऊंगी मैं, ताकि आपको एकदम समझ में आ जाए। देखिए, ये मेरे पास सलवार की नाप है। लेंथ 37 इंच, पाउचा 7 इंच, इसका डबल 14 इंच। पूरा पाउचे की जो चौड़ाई होती है वो 14 इंच होती है, उसका हाफ 7 इंच। बेल्ट की जो गोलाई है वो हमारी 45 इंच है। ये मेरे पास 2 मीटर कपड़ा है, इसमें मैं आपको बेल्ट की सिंपल सलवार बनाना बताऊंगी, बहुत ही सिंपल तरीके से बताऊंगी। इस कपड़े को हम इस तरह से डबल फोल्ड में कर लेंगे। फिर इसको इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। हमें 4 फोल्ड में कपड़े को करना है, देखिए इस तरह से, ताकि हमारी 4 लेयर बन जाए, 4 सतह बन जाए। देखिए इस तरह से हमने फोल्ड कर लिया है, बराबर कर लेंगे इसको, ताकि हमें कटिंग करने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो। देखिए इस तरह से इसकी हमारी 4 लेयर हो गई है, 1, 2, 3, 4, 4 फोल्ड में ये कपड़ा हमारा हो चुका है। देखिए, तैयार सलवार की लंबाई हमारे पास 37 इंच है, 30 इंच नीचे पार्ट की लंबाई होगी और 7 इंच ऊपर बेल्ट की लंबाई होगी। अब हम 30 इंच में 3 इंच प्लस कर लेंगे। ऊपर आधा इंच के लिए सिलाई के लिए चाहिए होता है और नीचे मोरी बनाने के लिए चाहिए होता है, तो हम इसी में कपड़े में से मोरी बना लेंगे, हमें अलग से जोड़ने की जरूरत नहीं है। तो इसमें हम 30 इंच में 3 इंच प्लस कर लेते हैं। देखिए, ये 33 इंच हो चुका है, यहाँ पर मैं निशान लगाती हूँ 33 इंच, और इस तरह से यहाँ पर एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेती हूँ। पाउचा हमारे पास 14 इंच है, उसका हाफ 7 इंच, तो यहां से हम 7 इंच पर निशान लगाएंगे। ये हमारी मोरी हो जाएगी और इसके बाद हमें 1.5 इंच या 2 इंच जो एक्स्ट्रा रखना है मार्जिन के लिए, कपड़ा सिलाई के लिए चाहिए होता है, वहां हम 2 इंच पर निशान लगा लेंगे। यदि 2 इंच रखना है तो 2 इंच पर निशान लगा लीजिए एक्स्ट्रा कपड़ा, या 1.5 इंच पर रखना है तो 1.5 इंच पर निशान लगा लीजिए। अब यहाँ पर हम आसन के लिए निशान लगाएंगे। देखिए, यहां से हम 9 इंच पर ये निशान लगाएंगे, जो ये मैंने लाइन ड्रॉ की थी, यहां से हमें नापना है 9 इंच पर, ये मैंने निशान लगाया है। अब इस तरह से हम फीते को रख करके एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। देखिए, इस पर लाइन ड्रॉ होनी है इस तरह से। तैयार सलवार की लंबाई हमारे पास 37 इंच है, 30 इंच पार्ट की लंबाई है और 7 इंच बेल्ट की लंबाई है, तो 30 इंच में हम 3 इंच प्लस कर लेंगे। आधा इंच ऊपर सिलाई के लिए चाहिए और नीचे मोरी बनाने के लिए चाहिए, इसलिए हमने 3 इंच प्लस करना है। मोरी के लिए आपको अलग से कपड़ा नहीं जोड़ना पड़ेगा। तैतीस इंच पर मैं ये निशान लगा रही हूं, 30 इंच में 3 इंच प्लस करके। अब यहां पर मैं एक लाइन ड्रॉ कर लेती हूं सीधी,
पाउच हमारे पास 14 इंच है, उसका हाफ 7 इंच, तो 7 इंच में हम 2 इंच प्लस कर लेंगे या 1.5 इंच, क्योंकि हमें सिलाई के लिए चाहिए होता है। 7 इंच पर हमने ये निशान लगाया है और इसमें हमें 1.5 इंच एक्स्ट्रा रखना है या 2 इंच, तो उस पर निशान लगा लीजिए। देखिए मैंने 2 इंच पर निशान लगाया है। अब यहाँ पे हमें आसन के लिए 9 इंच पर निशान लगाना है। देखिए यहाँ से मैंने 9 इंच पर निशान लगाया है। अब मैं इंच टेप को यहाँ पर रख करके इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लेती हूँ। देखिए ये जो आगे वाला निशान है यहाँ पर हमें मिला नहीं है ये लाइन। अगर हम यहाँ पर लगा लेंगे तो फिर सिलाई के लिए चाहिए होता है कपड़ा, तो इसलिए मैंने ये 2 इंच एक्स्ट्रा रखा था, तो हमें इस निशान से मिलाना है। चलिए अब मैं आपको कट करके दिखाती हूँ। देखिए यहाँ से हमें कट करना है। अब यहां से कट करेंगे। देखिए ये हमारे पार्ट और कली मिलकर के बन चुका है। अब मैं आपको बेल्ट की कटिंग बता रही हूं। अब ये हमारे पास कपड़ा है, अब इसमें से हमें बेल्ट बनानी है। तैयार बेल्ट की लंबाई हमारे पास 7 इंच है, तो 7 इंच में हम 2 इंच प्लस कर लेंगे, तो ये हम 9 इंच पर निशान लगा लेंगे। देखिए इस तरह से गोलाई हमारे पास 45 इंच है, तो उसमें हम 1 इंच प्लस कर लेंगे। आधा इंच सिलाई के लिए चाहिए होता है तो 46 इंच रख लेंगे। लेकिन अब मैं देखिए नापती हूँ कि कितना कपड़ा है हमारे पास। ये हमारे पास 39.5 इंच है, तो इसमें हमें प्लस करना पड़ेगा। पहले मैं यहां से फोल्ड करके इसको काट लेती हूं। इधर से भी नाप लेंगे हम कि हमारा 9 इंच कपड़ा है या नहीं। इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। चलिए अब मैं इसे कट करके दिखाती हूँ आपको। देखिए ये मैंने बेल्ट के लिए कपड़ा कट कर लिया है, लेकिन इसकी जो गोलाई है वो थोड़ी कम है। देखिए ये 39 इंच है, लेकिन हमें 45 इंच प्लस 1 इंच 46 इंच रखनी है, तो हम इसको इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। 45 इंच में हमने 1 इंच प्लस करना था, तो 46 इंच इस तरह से हम फोल्ड कर लेंगे, तो 46 इंच का हाफ हुआ 23 इंच। तो इस तरह से हम नाप लेंगे इसको फोल्ड करके। देखिए ये 23 इंच है, तो इसमें हमें इतना कपड़ा जोड़ना है, तो हम इतना जोड़ लेंगे। 39 इंच में 7 इंच चौड़ाई का कपड़ा,
देखिए ये हमारे पास जो साइडों का कपड़ा बचा हुआ है इसमें से हम कट कर लेंगे। इस तरह से रख करके तेईस इंच बैठ रहा है, इस तरह से इसको हम रख लेंगे। और इसके बराबर ही कट कर लेंगे। देखिए ये इस तरह से बराबर कट चुका है। अब इधर से भी मैं बराबर कर लेती हूँ। तरह से ये इसमें हम अटैच कर लेंगे। देखिए ये कली भी कट चुकी है, ये बेल्ट कट चुकी है। और ये हमारी सलवार की कटिंग हो चुकी है। इस तरह से हम रख लेंगे। देखिए इस तरह से हम इस सलवार को स्टिच कर लेंगे। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आए आप लाइक करें, शेयर करें और इसी तरह की नई नई वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।